मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ना ये शहर नया है मेरे लिए और ना ही ये घर और आप लोग, जैसे पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है मेरा सबसे यहाँ पर, खास करके आपसे दादी। मैं हूँ साथ तेरे। प्रीता तू मेरे लिए लड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपके पैरों में दर्द है और मैं आपके दर्द की दवा हूँ, इसलिए अब आप ज्यादा सोचे नहीं, एकदम आराम कीजिए, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपके पैर की एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। प्रीता पुत्र हमेशा खुश रह, तेरी नसीब में जो हो वो सब कुछ तुझे मिले, इस दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिले पुत्र। हाँ प्रीता, थैंक यू सो मच कि आप हमारे परिवार से इतना प्यार करती हो और इतने अपनेपन के साथ हम सबकी इतनी केयर करती हो, हमें इतना प्यार करती हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग प्रीता। तू वो करती है जो अपने नहीं करते, ये जानते हुए कि सब तुझे उल्टी सीधी बातें कहेंगे, तू फिर भी मुझे एक्सरसाइज और मेरा इलाज करने आती है। तुझे मेरी इतनी फिक्र है, अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं है। फिक्र कैसे नहीं होगी दादी, आप मेरी अपनी ही तो है। कहने को मैं कुछ भी कहूं लेकिन सच तो यही है कि आप सब लोग मुझे अपने ही लगते हैं। पहले दिन से जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे सबसे एक कनेक्शन सा लगता है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये कोई नया रिश्ता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ना ये शहर नया है मेरे लिए और ना ही ये घर और आप लोग, जैसे पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है मेरा सबसे यहाँ पर, खास करके आपसे दादी। मुझे तो लगता है कमशेदपुर से मुझे यहाँ भगवान ने इसीलिए बुलाया ताकि मैं आप सबसे मिल सकूं। और दादी जब आपने मुझे कहा ना कि आपको मेरी जरूरत है और आपके पैर में इतना दर्द है कि कोई और ठीक नहीं कर पा रहा है, तो बस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मुझे पता था कि मुझे अब तो आपके पास आना ही है और आपके इस दर्द को कम करना ही है, और अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। अगर भगवान खुद भी मुझे कहते कि तुम नहीं जाओगी तो शायद मैं उनकी भी नहीं सुनती। कभी कभी जिंदगी में ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें निभाने के लिए फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कोई भी सैक्रिफाइस करने को, कोई भी कीमत चुकाने को। बस आप समझिए ऐसा ही एक रिश्ता बन गया है आपसे। अब दादी आप मुझे जब भी बुलाएंगी ना मैं आपके पास जरूर आऊंगी। थैंक यू पुत्र। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।